एवरीवन, वेलकम टू विगर। आई एम निशा। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हरियाणा के रोहतक का लोकल फूड। सो कम विद अस। एवरीवन, हमारी पहली लोकेशन है डोलमा बटर मोमोज। ये पड़ता है रोहतक के सेक्टर 1 में। सो लेट्स ट्राई देयर मोमोज। नाइस, दे आर वेज बटर मोमोज। इसके साथ हमें चार चटनियाँ दी गई हैं, तो चारों चटनियाँ काफ़ी टेस्टी हैं। ये वेज बटर मोमोज है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई वेज तड़का मोमोज। हियर वी गो। लहसुन का टेस्ट आ रहा है, काफ़ी यूनिक टेस्ट है, वेरी यूनिक। आप वेज बटर मोमोज ट्राई कर सकते हो, बट वेज तड़का मोमोज आर मस्ट ट्राई, बहुत यूनिक टेस्ट है। एंड हियर यू कैन कम डोलमा बटर मोमोज। चलिए इसको खत्म करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। सो आवर नेक्स्ट लोकेशन इज पंडित चाट भंडार। सो हियर वी गो। सो हमने यहाँ पे भल्ला पापड़ी ऑर्डर किया था, जो हमें पड़ा था करीब 100 रुपए का। सो आ गया ये हमारा ऑर्डर। सो लेट्स ट्राई इट। देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, चलिए ट्राई करते हैं। हियर वी गो विद आवर फर्स्ट बाइट। यस, इट वाज रियली रियली नाइस। बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे और ठंडे थे, तो इस वजह से बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे और टेस्टी लग रहे थे। और वैसे भी पंडित चाट भंडार का रोहतक में बहुत ही नाम है। रोहतक आए और पंडित चाट भंडार ना गए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए मैं इसको खत्म करती हूँ और हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। बाय बाय। सो आवर नेक्स्ट लोकेशन इज मोज़रेला चीज पिज्जा, जो कि पड़ता है कंपनी बाग के सामने। आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया के पिज्जा की कितनी डिमांड है। भैया पिज्जा के साथ साथ और भी आइटम सेल करते हैं, जैसे कि गार्लिक ब्रेड, बर्गर पिज्जा, और यहाँ पर पिज्जा के रेट भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं। सो लेट्स ट्राई। काफी ज्यादा गर्म था। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, इट वॉज प्रिटी नाइस। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है नागपाल के छोले भटूरे। नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम, लेट्स ट्राई कि कैसे निकलते हैं। सी कितना एक बड़ा भटूरा है, यू कैन सी। मैं सैलेड भी दिया हूं उन्होंने साथ। हियर वी गो, हियर वी गो बाय। चलिए अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। इतना सब ट्राई करने के बाद हम मीठे को कैसे भूल सकते हैं। तो लो, आ गए हम भी फिर अमृत बीकानेर। हमने यहाँ पर ट्राई किया रस मलाई और रबड़ी। यहाँ पर रस मलाई और रबड़ी का भी काफी डिसेंट टेस्ट था, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफी सारी मिठाइयों के ऑप्शंस अवेलेबल थे। हमने रोहतक के डी पार्क पर पड़ने वाला अमृत बीकानेर ट्राई किया था।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विगर।